छुल दे तो से बंज दियार छल के जो बने अवैन खार जीना हो जीना पाड़े दार हो बसना तारे दार हो जीना पाड़े दार हो खाना फफरू ते कसरोड़ कन्ने कनी कनी बदरोड़ मक्खन हो मक्खन पेड़े दार हो बसना तारे दार। नमस्कार, मेरे जो सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं फेयर वॉइस न्यूज। जम्मू कश्मीर की शान डुग्गर की बेटी हमारे साथ है सरस भारती जी। आज जो है प्राउड मोमेंट है पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए, क्योंकि श्री रुमालो राम जी ने पद्मश्री अवार्ड जीता है और आज हम उनकी बेटी के साथ हैं यहाँ पर। उनसे जानेंगे कि मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है कि आपके पिताश्री ने आपका, पूरे परिवार का, जम्मू कश्मीर का और पूरे देश का नाम रोशन किया, तो आपको कैसा लग रहा है? बड़ी खुशी महसूस हुआ दिया जी, और बड़ा गर्व महसूस हुआ रहा है कि आज ये मान सम्मान सिर्फ श्री रुमालो राम हो रही नहीं, उनके परिवार की नहीं, उनके साथियों के नहीं, हे जम्मू कश्मीर के हर एक वासी की थोया है, हर एक कला प्रेमी की थोया है जो माँ बोली करना प्यार करता है। तो मिगी लगता है कि मैं जिन्ना धन्यवाद करा अपना सरकार का उन्ना घट है कि जे उन्हें साड़ी रामनगर के निके जे ग्रां अमरोह के कलाकार की इन्ना बड़ा मान सम्मान दिता है। और अगला नंबर जो माँ बोली कन्नै प्यार करदे न, जो माँ बोली की सेवा करे करदे न, कुसे दा भी हो सकदा इत गल्ल है, इ'यां गै सेवा करते रहो ते माँ बोली दा बूटा घर घर लांदे रहो। मैम, जैसे उनकी 40 साल की एक जर्नी रही है और कहीं ना कहीं उसका रंग जो है नज़र आया है, वैसे ही आप भी इस फील्ड में हैं, तो आपको कितनी खुशी हो रही है इस बात की? और ख़ासकर जब उन्हें वो अवार्ड मिल रहा था तो वो घड़ी आपके लिए कैसी थी, कैसा आपको महसूस हो रहा था? कुछ गल्लां होंदियां जिन्हेंगी तुस शब्दें च सुनाई नहीं सकते हो, और उस चीज़ की उत्थे बेहियै दिखना और महसूस करना, मी लगता कि रब ने सारे कोला खूबसूरत पल असेंगी दिते ने। और उस वेले सिर्फ अस गै नहीं, मी लगता जम्मू कश्मीर का हर एक डुग्गर वासी उन्ना गर्व महसूस करा दा होना, उन्नी खुशी महसूस करा दा होना कि अज जो मान सम्मान थोया सिर्फ रुमालो राम होरें गी गै नहीं, कला प्रेमी गीत होया है, हर एक डुग्गर वासी गीत होया है, तो हर एक का ना सिन्ना चौड़ा हो जाता है कि पद्म श्री श्री रुमालो राम होरें गीत होया करता है, साढ़े डोगरी लोक कलाकार गीत होया करता है। बड़ी खुशी महसूस हो रही, बड़ा गर्व महसूस हो रहा। और माता रानी दा गै इयै विनती करने कि माता रानी अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा इं गै बनाइए रखियो, तो अस इं गै माँ बोली की सेवा करते रहो। मैम, लास्ट में एक गाना आपसे सुनना चाहेंगे, क्योंकि डोगरी को आपने इतना प्रमोट कर दिया है कि जो लोग डोगरी नहीं भी बोलते कहीं ना कहीं वो बोलना चाहते हैं, और उसमें सबसे बड़ा योगदान आपके गानों का भी है। जहाँ तक तो श्री रुमालो राम जी ने भी पूरी की पूरी कोशिश आज तक की है, लेकिन आपके भी गीत जो है हमने भी सुने हैं, लोग सुनते हैं, हमारी ऑडियंस की भी एक डिमांड थी कि जब आप उनसे मिले तो एक गीत उनके बोल से जो है वो जरूर सुनाए जीना हो जीना पाड़े दार हो बसना तारे दार हो जीना पाड़े दार हो खाना फफरू ते कसरोड़ कन्ने कनी कनी बदरोड़ मक्खन हो मक्खन पेड़े दार हो बसना तारे दार। थैंक यू जी। ये हमारे साथ सरस भारती जी थी, जो कि श्री रुमालो राम जी की बेटी हैं और एक बहुत बड़ी जो है डुग्गर कलाकार हैं। इनके गाने जो हैं आप लोगों ने भी सुने होंगे, और जैसा कि कहते हैं खंड मीठे लोक डोगरे, और कहीं ना कहीं वो मिठास जो है इनकी आवाज़ में भी नज़र आती है। इनसे हमने कुछ छोटी सी एक बातचीत की, कैसा इनको महसूस हो रहा था, लेकिन इसके बाद जो है हम श्री रुमालो राम जी के साथ भी बात करेंगे। नमस्कार।